दोस्तों तो आ गए हमें एक नई वीडियो लेके फिर से। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने तो थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ये तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया है मैंने, एक छोटी सी क्लिप दिखाई है, लेकिन आगे जो है मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, इस जगह के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाई है एक पब्लिक रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूं। जैसे मैंने बताया था कि मैं पूरे जम्मू को एक्सप्लोर करूंगा, तो उनका यही था कि अगर आप जम्मू को एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये वाली जगह भी एक्सप्लोर करो, इस वाली जगह पर भी जाके एक वीडियो बनाओ, हम देखना चाहते हैं। तो मैं आज उनके कहने पर जा रहा हूँ ये वाली वीडियो बनाने। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इश्फाक हुसैन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इश्फाक हुसैन व्लॉग्स में। तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जो नाम है बाय द वे इट्स इश्फाक के नाम से मेरी आईडी है। तो गाइस जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गाइस आपके जो कमेंट हैं बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि ये लोगों की रिक्वेस्ट पे है। काफ़ी ज़्यादा मेरे को लोगों ने बताया कि आप इस चीज़ पे काम करो, इस चीज़ पे काम करो, तो मैं काम कर रहा हूँ उन चीज़ों पे। तो गाइस आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए, तो गाइस कमेंट करना ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं तो जैसे अपना प्यार दे रहे हैं उसी हिसाब से अपना प्यार आगे भी बरकरार रखिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है यूट्यूबर्स की वो आप तक ही है, सारा आप तक ही डिपेंड है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम हरि निवास पैलेस में, होटल हरि निवास, राजभवन, अमर महल, रॉयल रिट्रीट। दोस्तों ये जो पैलेस है ये महाराजा हरि सिंह ने बनवाया था, जो जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट महाराजा थे। ये पैलेस जो सेपरेट एक्सटेंशन थी अमर महल की, ताकि अपने गेस्ट को एंटरटेन कर सकें रादर देन पुराने पैलेस से, जो मुबारक मंडी पैलेस था उनका, तो अपने जो गेस्टों को एंटरटेन वो यहाँ पे करते थे। मुंबई शिफ्ट होने से पहले इन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है इसी पैलेस में बिताया था, यहीं पे रहते थे ये। ये गाइस क्या बेहतरीन नज़ारा है, देखिए बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर, अभी अंदर चल के देखते हैं मुझे। तो गाइस चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या होगा, मैं कभी आया तो हूँ नहीं यहाँ पे, आज फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो देखते हैं अंदर क्या है। वो देखिए सामने महाराजा हरि सिंह की फ़ोटो दिख रही है, वो देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जो ये कपड़े हैं, ये इन पुराना लिबास है, ये शायद वो उनके टाइम पर पहना जाता था। ये देखिए, ये देखिए फेरन भी लगा हुआ है, ये देखिए कितनी पुरानी ज्वेलरी है यहाँ पे, ये देखिए ज्वेलरी पुरानी, ये ड्रेसेस देखिए, ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम जम्मू, ये देखिए पे नाम लिखे हुए हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम कश्मीर वैली, ये आ गया फैरन हमारा, ये देखिए, और ये है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम जम्मू, ये जम्मू का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये देखिए अच्छे से देख सकते हो आप, ये आ गया हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम जम्मू, ये भी जम्मू का ही है, ये है फीमेल का, और ये होगा शायद लद्दाख का, हाँ ये है लद्दाख का, ये देखिए ये क्या सांप सा बना होगा, ये देखिए ये देखिए, और ये देखिए पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी जो ये भी, ये हैं महाराजा रणवीर सिंह, रघुनाथ मंदिर है ये यहाँ पे, इसका भी मैंने एक बार जिक्र किया था। गाइस मुझे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, पर मैं फिर भी जो है इसको एक्सप्लोर करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ गए राजा अमर सिंह, थर्ड सन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह एंड ब्रदर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, सी वॉज बॉर्न इन 1864। ये देखिए इसकी हिस्ट्री जो है, इनकी हिस्ट्री जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये नीचे आ गया साथ में अमर महल, ये आ गया अमर सिंह बोगी पे जब
जो घोड़े के जो टांगा बोलते हैं यहाँ पे, वो रिया के अमर महल, ये रामनगर पैलेस आ गया, ये शेष महल रामनगर, और ये राजा राम सिंह, इनकी भी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी, थोड़ा बहुत लिखा इनके बारे में। सेकंड सन राजा राम सिंह वाज अ क्वीन शेयर ऑफ सेंट सोवेस, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ये आगे महाराजा हरि सिंह, और इनके साथ जो है इनकी वाइफ, ये देखिए इन्होंने ही जो है ये पैलेस बनाया था। ये देखिए महाराजा हरि सिंह, ये राजा अमर सिंह आगे, और ये आगे महाराजा महारानी तारा देवी जी, तो कुछ इस साइड भी है युवराज करण सिंह इनका बेटा। ये देखिए बुक्स हैं, काफी ज्यादा लाइब्रेरी है यहाँ पे, देखिए बुक्स। ये क्या है बारा सिंह का, ये देखिए फोटोग्राफ्स और बुक्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, देखिए मेडल्स वगैरह। ये क्या है, ये है माइकल जॉन मेमोरियल लेक्चर मार्च 2020 टाटा वर्कर यूनियन जमशेदपुर। ये देखिए कॉइन्स, देखिए ये देखिए नाम तो बहुत लिखे हैं इन पेपर में, अभी इतने नाम कैसे पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ। ये देखिए मेडल्स, ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये सिस्टम, ये क्या है भैया, चिमनी चिमनी, हाँ बुखारी, ये देखिए बुखारी, यहाँ पे आग लाई जाती होगी उस टाइम पे, देखिए कितनी ऊपर के लिए पूरा। ये देखिए हम आगे पीछे वाली साइड, हम पीछे वाली साइड से अंदर घुसेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए तो चलते हैं पीछे गोल्ड थ्रोन देखने, देखिए लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे काफी ज्यादा गाइस, वो गोल्ड थ्रोन इनका, ये देखिए महाराजा हरि सिंह का गोल्ड थ्रोन, ये देखिए अंदर इस पे वो शायद बैठते थे, ये सारा गोल्ड का ही है अंदर, लेकिन यहाँ से बाहर से दिखेगा नहीं प्रॉपर। ये दोस्तों ये जो गोल्ड थ्रोन है ये है 120 kg, 120। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, गार्ड्स हैं, देखिए सिक्योरिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये हम चलते हैं एक और जगह, वाह यार मैं जम्मू में होके, जम्मू का रहने वाला, मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो मैं फर्स्ट लाइन डिस्प्ले दिखाऊँगा आपको जो ऊपर में है क्या क्या है इसमें, फिर मैं जो है सेकंड वाली लाइन दिखाऊंगा। ये देखिए और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा मतलब हल्ला हुल्ला अलाउड नहीं है यहाँ पे, लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। Yeah.
यहाँ पे एक मॉडल बना के रखा हुआ है टेंपल का, ये देखिए, ये रखा हुआ, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है कौन सा टेंपल है, ये नाम लिखा हुआ है और ये देखिए टेंपल मॉडल बना हुआ है यहाँ पे, ऊपर से भी दिखा सकता हूँ मैं आपको ये। ये देखिए, और यहाँ पे जो आगे है ये देखिए, यहाँ पे भी शायद आग वगैरह जलाते हैं, ये चूल्हा है, ये भी चिमनी है शायद, यहाँ भी आग वगैरह जलाते हैं। और ये है, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियाँ, लेह लद्दाख, कौन कौन सी जगह लिखी हुई है इसमें, वाह क्या लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, अमरनाथ, गुलमर्ग, ये देखिए सारी पहाड़ियाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ये देखिए एक छोटी सी पिक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियाँ सारी। अभी बाहर जाएंगे हम, बाहर से देखेंगे क्या क्या है बाहर, फिलहाल तो एक साइड जो है दरवाजे बंद किए हैं, बहुत कुछ है दिखाने को लेकिन मैं छोटी सी वीडियो में दिखा सकता। ये हमारा एग्जिट, यहाँ पे भी है, ये आ गया तवी ब्रिज, तवी जो है ये तवी, ये जो पैलेस है ये तवी रिवर के राइट बैंक में है। ये देखिए पहाड़ियाँ, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ मतलब बहुत कुछ दिखाया मैंने वीडियोस में आपको। चलते हैं अब बाहर, एग्जिट करते हैं, यहाँ से है एग्जिट इसका, तो हम जो है थोड़ा उस साइड जाएंगे, उस साइड से देख के, उस साइड तो जाने नहीं देंगे मेरे हिसाब से, यहीं से जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस ये देखिए व्यू यहाँ का, पूरा जम्मू जो दिखेगा आपको यहाँ से, सिदरा वाली साइड, भतरा वाली साइड, जम्मू भी, जम्मू जो है मेरे राइट साइड में है तो उस साइड भी थोड़ा बहुत ही दिखेगा। गाइस अगर आपको ये वाला फोर्ट दिख रहा होगा तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही जल्द। ये देखिए जम्मू में बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हैं, टेंपल्स हैं, ये देखिए जो हमारा, ये है हमारा भतरा वाली साइड, ये आगे सिदरा आ गई, लोकेशन देखिए कितनी ज़बरदस्त है, ये तवी है हमारी, ये ब्रिज जो है आपने अभी देखा भी होगा अंदर पेंटिंग में, वहाँ पे जो है ये है पीर बाबा। ये देखिए लोग कितने आए हुए हैं यहाँ पे, गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो एक स्टैचू बना है, ये देखिए पहले यहाँ से बाहर से देखिए पूरा जो ये पहले जो है यहाँ पे महाराजा हरि सिंह वाले रहते थे, देन उसके बाद जो है इसको जो है बहुम, ये क्या है, उसके बाद जो है इसको उसमें शिफ्ट किया गया है पैलेस में, अंदर जो है गोल्डन थ्रोन जो दिखाया था मैंने 120 केजी का जो है, और ये देखिए गुलाब सिंह,
ये उनका जो है वो है स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे, गुलाब सिंह का स्टैचू है। अंदर जाने नहीं देते हैं तो मैं यहीं से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए वाओ, ये है गाइस आउटर व्यू जो है इसका, पैलेस का जो आउटर व्यू है ये है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है ये शायद 1919 समथिंग में बनी हुई है। उसके बाद जो है ये पैलेस में कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। लोकेशन बहुत बेहतरीन है, आपको मैंने पीछे भी वीडियो में दिखाई थी। अब हम यहाँ से चलते हैं और कहीं देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया हुआ था। पहले मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको पीछे बिल्डिंग का व्यू। ये देखिए ये है बिल्डिंग, देखिए आर्मी की वैन लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घुसने नहीं देते हैं किसी को। सिर्फ आम के पेड़ हैं यहाँ पे। तो गाइस करते हैं आज की वीडियो का यहीं पे दी एंड, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, क्योंकि सब कुछ दिखा दिया है मैंने आपको। मेरे को बहुत चीज़ें नहीं पता थी, जो चीज़ें मुझे अभी पता चल रही हैं यहाँ पे बहुत कुछ था देखने को। एक तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है गोल्डन थ्रोन देखा, और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी यहाँ पे, काफ़ी सारी बुक्स थी वहाँ पे, और हर एक राजा महाराजा के बारे में बताया हुआ था। मैंने वीडियोज़ में भी वो दिखाया, और जो उनके बारे में जो बताया हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ वहाँ पे, मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।